सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से ठीक एक साल पहले मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट दिया था कि मारवाड़ मावली जो मीटर गेज रूट है उसका जल्दी ही अब ब्रॉड गेज कन्वर्जन का कार्य शुरू किया जाने वाला है। इसके लिए जो है DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करी जा चुकी थी, और जो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे जिन्होंने DPR बनाई थी उन्होंने जो है वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से जो है इस रूट का गेज कन्वर्जन किया जाएगा। उसमें अगर मैं आपको मोटी मोटी हाईलाइट बताऊँ तो जैसा कि आपको पता है कि मावली जंक्शन से लेकर के नाथद्वारा तक ऑलरेडी जो है ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा चुकी है। अब गेज कन्वर्जन होना है तो नाथद्वारा से लेकर के मारवाड़ जंक्शन तक का गेज कन्वर्जन होता है, जिसमें कि पहले चरण में नाथद्वारा से लेकर के देवगढ़ मदारिया जो कि टोटल 83 किलोमीटर का सेक्शन है, इस सेक्शन का गेज कन्वर्जन का कार्य पहले किया जाएगा। और देवगढ़ मदारिया से लेकर के फुलाद स्टेशन तक जो गेज कन्वर्जन का कार्य होना है वो सेम रूट से नहीं बल्कि डाइवर्टेड रूट से किया जाएगा। मतलब कि जिस रूट पर अभी देवगढ़ से लेकर फुलाद स्टेशन तक मीटर गेज की लाइन है उस रूट पर मीटर गेज लाइन को बिल्कुल भी छेड़ा भी नहीं जाएगा, बल्कि इसके अलावा किसी और ही दूसरे रूट से जो है ब्रॉड गेज लाइन को निकाला जाएगा। और फुलाद से लेके मारवाड़ जंक्शन के बीच जो गेज कन्वर्जन का काम होना है वो उसी सेम एग्जिस्टिंग रूट से ही होगा, इसके लिए टूट डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। और मारवाड़ जंक्शन से पहले जो है एक बड़ा लंबा ब्रिज बनाया जाएगा जो कि TFC और अभी अजमेर अहमदाबाद लाइन के जो ट्रैक्स है उनके ऊपर से होके जाया करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे रिंगस की ओर हम जाते हैं जयपुर से तो एक लंबा ब्रिज आता है, राजस्थान का सबसे लंबा रेल ब्रिज, उसी प्रकार जो है कुछ मारवाड़ जंक्शन से पहले भी एक रेल ब्रिज बनाया जाएगा। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार DPR के अकॉर्डिंग मारवाड़ मावली रूट को जो है गेज कन्वर्जन कार्य किया जाने वाला है इस रूट पर। और 10 मई 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस रूट के गेज कन्वर्जन का शिलान्यास भी कर दिया है नाथद्वारा स्टेशन के पास में। उन्होंने जो है इस गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट की पहली नींव को भी रख दिया है नाथद्वारा स्टेशन पे 10 मई 2023 को यानी कि बुधवार को। तो अब जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि जल्दी ही नाथद्वारा से लेकर के देवगढ़ मदारिया स्टेशन के बीच गेज कन्वर्जन का काम जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि इस साल जो आप ये मीटर गेज ट्रेन देख रहे हैं मावली से मारवाड़ जंक्शन के बीच में चलती हुई, ये आपको अगले साल दिखाई ना दे, क्योंकि गेज कन्वर्जन का जो काम है वो जल्दी ही शुरू किया जाने वाला है इस रूट पर। तो कुछ नहीं कह सकते कि कब इस रूट पर आखिरी मीटर गेज ट्रेन चलाई जाए देवगढ़ से लेकर के नाथद्वारा के बीच में। बाकी अगर बात करें मारवाड़ से लेकर के देवगढ़ मीटर गेज सेक्शन की तो ये जो है ऐसा का ऐसे रहने वाला है। मारवाड़ से लेकर के देवगढ़ स्टेशन के बीच में मीटर गेज रूट को एज अ हेरिटेज रूट जो है विकसित किया जाने वाला है। यही कारण है कि देवगढ़ से लेकर के जो फुलाद स्टेशन के बीच मीटर गेज टू ब्रॉड गेज कन्वर्जन का जो काम होना है वो डाइवर्टेड रूट से किया जाएगा। बाकी जिनको एंड टू एंड मारवाड़ से लेकर के मावली जंक्शन के बीच इस मीटर गेज ट्रेन में ट्रेवल करना है तो उनके पास इस साल आखिरी चांस है, आखिरी मौका है, जल्दी से इस ट्रेन की टिकट लेके इस ट्रेन में सवार हो जाइए, क्योंकि अगले साल जो है आपको इस रूट पे ये ट्रेन चलती हुई नहीं दिखाई देने वाली है। हालांकि अभी टाइम लगेगा, ये नहीं कि अगर 10 मई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रख दी है तो अभी कल के कल ये ट्रेन बंद हो जाएगी। अभी इस ट्रेन को बंद होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मथुरा से जो है मीटर गेज की रेल बस भी मंगाई गई है इस रूट पर चलाने के लिए, तो वो भी जो है इस मतलब रेल बस का जो है संचालन इस रूट पर जल्दी ही किया जाने लगेगा मारवाड़ से लेकर मावली के बीच में भी। तो देखते हैं रेल बस कब से शुरू हो पाती है। बाकी जो असली मजा इस रूट पर ट्रेवल करने का है वो मीटर गेज ट्रेन में मानसून के सीजन में ट्रेवल करने का है, क्योंकि ये रूट जो है पूरा हरा भरा हो जाता है बारिश होने के बाद, जो घाट सेक्शन है वो देखने लायक होते हैं। तो इस साल जो है ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस ट्रेन में ट्रेवल करने का। बाकी तो चलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इतना ही था मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इंटरेस्टिंग अपडेट्स आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ही मजेगा। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द किसी को नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।